जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी भाई काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है, अपने एनटीपीसी एग्जाम की बेहतरीन लेवल की टारगेट सीरीज को यहाँ पर स्टार्ट किए हैं। आज आपका यहाँ पे डे 9 हो गया है प्रॉपरली भाई। डे 1 से अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको अपनी स्टडी में यहाँ पे प्रोग्रेस आपको देखने को मिल गई होगी। आपको मैंने पूरा यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करवा दिया। अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप जॉब नहीं भी करते हैं, आप यहाँ पे स्टडी करते हैं, आपको यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है कि पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, टॉपिक कौन से पढ़ने, साइंस में क्या पढ़ना है, जीके में क्या पढ़ना है, आप यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आपने अगर डे 1 से सीरीज को फॉलो किया तो आपको 8 दिनों में अपनी स्टडी में काफी आपको प्रोग्रेस यहाँ पे देखने को मिली होगी। आपका यहाँ पे टाइम शेड्यूल हो गया होगा, आपको यहाँ पे टारगेट स्टडी करना भाई आ गया होगा, चीजें आपकी यहाँ पे मैनेज होने लगी होंगी। अगर आपको भाई यहाँ पे सुधार देखने को मिले तो भाई आप जरूर से मुझे कमेंट करिएगा। और कौन कौन ने भाई प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन किया और कौन कौन की यहाँ पे तैयारी काफी अच्छी यहाँ पे चल रही है, जरूर से आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आज हम बात करेंगे बिगिनर टू एडवांस सीरीज में डे 9 में। आज आपको 26 सितंबर का जो आपका टारगेट रहने वाला है मैथ, रीजनिंग, साइंस और आपके जीके में आपको कौन कौन से यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट करने सभी आपको बताऊंगा। साथ ही आप भाई ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना। आपको इंस्टाग्राम मिल जाएगा रेलवे एग्जाम 0.2 के नाम से, आपको टेलीग्राम मिल जाएगा स्टेपन ब्लॉग के नाम से, जहाँ पे आपको काफी सारी अपडेट मिल जाती है। प्राइवेट ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है, जहाँ पे आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस मिलता है, आपको पीडीएफ मिलती है, नोट्स मिलती है और काफी सारे स्टडी मटेरियल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इसको कैसे ज्वाइन करना है इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप रेलवे, एसएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी सारी अपडेट भाई कम से कम टाइम में देखने को मिल जाती है। मैथ्स की बात करूँ तो आपको यहाँ पे डे 9 में कवर करना है। आपको ऐसा ही कल आपने कवर किया था, आपने कल सिंपल इंटरेस्ट कवर किया था, आज आपको इसको भाई प्रॉपरली इसको आपको कवर कर देना है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट आपको यहां पे एसआई वाला टॉपिक आज आपको कंप्लीट करना है। एसआई आपको यहां पे कंप्लीट, आपको सिंपल इंटरेस्ट जो आपका साधारण ब्याज है इसको आपको भाई आराम से आज पूरा का पूरा कवर कर देना, ठीक है। साधारण ब्याज दोस्तों मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा, अगर आप मैथ्स में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको यहाँ पे लिस्ट बनाना पड़ेगा। एक पोर्शन वो रहेगा आपका जो वीक टॉपिक है, जो आप भाई सब करेंगे, आपको भी इन टॉपिक को कवर करना ही पड़ेगा। मतलब इतना ही कि कम से कम टाइम में ऐसे टॉपिक को भाई आराम से आपको कवर करना है। और एक पोर्शन आपका रहेगा जो आप हार्ड टॉपिक भी आप उनको बोल सकते हो, जहाँ से भाई काफ़ी सारे लोग स्कोर नहीं कर पाएंगे, आपको यहाँ पे स्कोर करना है, तब आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि परसेंटेज रेशो वगैरह ये सभी लोग बना लेंगे आसानी से आपका। पर वो टॉपिक आपकी सिलेक्शन दिलाएंगे, जैसे आपका यहाँ पे हो गया एलजेब्रा, हो गया आपका सिंपलीफिकेशन, हो गया ये वो टॉपिक भाई जो आपके सिलेक्शन टॉपिक है, तो उनको आपको भी काफ़ी अच्छे से आपको करना पड़ेगा। ये छोटे टॉपिक उनको भाई कम टाइम में भी आराम से कर सकते हो। यहाँ पे आपके बेसिक क्वेश्चन आते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको भाई जो आपका समय चाल दूरी हो गया, आपका बीजगणित हो गया, आपका यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन हो गया, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जिसको जिनको भाई मैं काफ़ी अच्छे से आपको मैं आगे कवर करवा दूंगा। बस आपको टारगेट सीरीज को फॉलो करना है, अच्छे से फॉलो करना, सीरियस होकर इन टॉपिक को भाई ऐसा सोचना कि आपके एग्जाम में भाई यही टॉपिक ही आपका सिलेक्शन दिलाने वाला है और यही टॉपिक आज आपको कंप्लीट करना है। अगर आप ऐसा दिन सोचोगे तो भाई आपके यहाँ पे हर दिन बहुत अच्छी यहाँ पे आपकी तैयारी हो जाएगी। बात करते हैं यहाँ पे मैथ में, आपको यहाँ पे डेली डेली कैलकुलेशन में टाइम देना ही देना है। अगर आप दोस्तों इसको इग्नोर करोगे तो भाई आप मैथ रीजनिंग में आपका स्कोर भाई कम से कम आपको 10 नंबर का आपको सीधा अंतर देखने को मिल जाएगा। अगर आप डेली 40 तक का टेबल, 20 तक की आपको क्यूब और 30 तक की आप अगर डेली स्क्वायर आप रिवाइज करोगे, याद करोगे, 12 दिन की प्रैक्टिस करोगे, बेसिक कैलकुलेशन अगर आप काम करोगे तो आप आराम से मैथ रीजनिंग में 10 से 15 नंबर का आपका सीधा आपको फर्क यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो भाई इसको बिल्कुल इग्नोर मत करना, यहाँ से आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से भाई पक्की होने वाली हैं। बात करते हैं रीजनिंग की, तो आपको यहाँ पे डाइस वाला टॉपिक कवर करना है, डाइस आपको कवर करना है। रीजनिंग के ऑलमोस्ट यहाँ पे 50 टॉपिक आपको पढ़ने हैं एनटीपीसी एग्जाम के लिए, जो मैं आपको सभी इसी सीरीज में कवर करवाऊंगा। कुछ टॉपिक ऐसे हैं भाई जो आपके आसानी से कवर हो जाएंगे, छोटे टॉपिक आप उनको बोल सकते हो, जैसे आपका डाइस हो गया कि 3 या 4 टाइप के आपके यहाँ पे क्वेश्चन, 4 या 5 टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, ओपन डाइस हो गया, आपका क्लोज डाइस हो गया, इनको आप बेसिक कंसेप्ट से छोटी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करके भाई इनको अच्छा कर सकते हो। जो आपके बड़े टॉपिक है आपका सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, ये बड़े टॉपिक भाई इनको आपको टाइम देना पड़ेगा। तो मैं आपको जैसा कवर करवा रहा हूँ भाई बस वैसा कवर करते जाइए, आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी सभी सब्जेक्ट की आपके यहाँ पे हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे डे 9 में डाइस वाला टॉपिक कवर करना है, इसकी पीडीएफ आपको डाल दूंगा अपने ग्रुप में, ठीक है, आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। प्राइवेट ग्रुप कैसे ज्वाइन करना भाई, तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको मेरा एनटीपीसी एग्जाम का प्राइवेट ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है। दोस्तों काफ़ी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पता नहीं चल पा रहा है कि क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। तो आप मेरे इस प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन करके, जो कि अपना बिगनर टू एडवांस एनटीपीसी एग्जाम का प्राइवेट ग्रुप रहने वाला है, जिसमें आपको दोस्तों यहाँ पे मेरा पर्सनल गाइडेंस आपको डेली मिलता है, आपको हैंड रिटन आपको नोट्स मिलते हैं, आपको स्पेशल बुक्स की पीडीएफ मिलती है, आपको यूट्यूब की बेस्ट लिंक प्रोवाइड करता हूँ, आपको यहाँ पे पीवाईक्यू पेपर की एनालिसिस आपको मैं करवाऊंगा, प्रॉपर आपको प्रॉपर एनालिसिस आपको देने वाला हूँ, डे बाय डे आपको टारगेट इसमें प्रॉपर तरीके से आपको मिलेंगे, सिक्वेंस से आपको एग्जाम ओरिएंटेड आपको इसमें इंस्ट्रक्शन देखने को मिलने वाले हैं। हर संडे अपना लाइव सेशन यहाँ पे रहेगा, आपको आपकी प्रोग्रेस को चेक करने में आपकी मैं पूरी हेल्प यहाँ पे करने वाला हूँ। तो अगर आपको इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पे ओनली 99 रुपीज पे करके इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इसको ज्वाइन करना है इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे अभी मैसेज करें, आपको यहाँ पे क्यूआर कोड प्रोवाइड कर दूंगा, इसमें आप पे करके इस ग्रुप को भाई ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं साइंस की, तो साइंस में आपको यहाँ पे आज भी आपको प्रकाश वाला जो आपका टॉपिक है लाइट,
बड़ा टॉपिक है भाई, पूरे सभी कंसेप्ट उसमें कवर कर लेना। लाइट जो आपको मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, लिंक जो आपको मैंने प्रोवाइड किया है, प्लेलिस्ट आपको जो दिया अपने नीरज सर की, उसमें जो आपको मैं वीडियो बताएं सभी वीडियो को देख लेना। लगभग 2 दिन लगेंगे, 2 से 3 दिन को 1.5x की स्पीड में देख सकते हो। इनकी मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो नोट्स को आप बेसिक यहाँ पे देखते आए, जो आपको PDF दे रहा हूँ वहाँ से आप देखते हैं, और खुद के नोट्स यहाँ पे रेडी करते आए। आपको अपने नोट्स यहाँ पे आपको रीड करने, लास्ट में भाई आपको ना तो मेरे नोट्स समझ में आएंगे, ना तो आपको कोई बुक्स यहाँ पे समझ में आएगी। आपने जो राइट किया, आपने जो लिखा है, वो आपको लास्ट में समझ में आएगा। क्योंकि भाई अगर आपको पूरा जल्दी से रिवाइज करना, तो आपको भी खुद के यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स तैयार करना ही पड़ेगा। आपको ना तो लास्ट में कोई बुक्स काम देगी, ना तो आपको कोई यहाँ पे लास्ट में नोट्स या वीडियो आपको काम देने वाली, तो आपको यहाँ पे खुद के नोट्स तैयार करना ही पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं जीके की, तो आपको यहाँ पे इतिहास में आज कवर करना है। बात करूँ यहाँ पे इतिहास की, तो आपको तुगलक वंश यहाँ पे आपको कवर करना है। तुगलक वंश हो गया आपका, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक है भाई, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते, तो इसी तरीके से आप इन टॉपिक को टारगेट करके जीके में भाई काफ़ी अच्छे यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। सैयद वंश हो गया यहाँ पे आपको, और आपके लोधी वंश हो गया, ये सभी टॉपिक आपको कवर कर लेना। इनकी PDF डाल दूंगा आपको टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप में, ठीक है। इसको आपको कवर कर लेना, यहाँ से आपके काफ़ी सारे टॉपिक भाई क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं पॉलिटी की, तो पॉलिटी आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है आज से। सॉरी, आपका पॉलिटी में आपका जो टॉपिक रहने वाला है आपका यहाँ पे भाई उच्चतम न्यायालय आपको यहाँ पे कवर करना है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय आपको यहाँ पे कवर करना है, न्यायालय आपको यहाँ पे कवर करना है, ये आपका फर्स्ट टॉपिक है। फिर आपको यहाँ पे उच्च न्यायालय भी आपको देखना है। छोटे छोटे टॉपिक भाई आपके बहुत अच्छे से उनको कवर करना भाई, जो आपको फैक्ट दूंगा मैं, आपको जो PDF दूंगा सिंगल, वही आपके नोट्स है, वही आपके PDF है, वहीं से आपको भाई पॉलिटी में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये आपके मैं सिक्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि भाई बहुत बेहतरीन लेवल की वो बुक्स रहने वाली है। आपको बस उन्हीं फैक्ट को तैयार करना है, उन्हीं फैक्ट को आप लिखते भी जाइए अगर आपको लिखना हो तो, पर वहीं अगर आप किसी से याद करोगे वहीं के वहीं आपको आराम से भाई वहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आपको आपको यहाँ पे प्रधानमंत्री मंत्री परिषद आपको यहाँ पे कवर करना है, ठीक है। मंत्री परिषद आपको यहाँ पे कवर करने की सबकी PDF डाल दूंगा आपको टेलीग्राम के ग्रुप में, तो भाई वहीं से आप जाके देख लेना, ठीक है। ये था आपका भाई प्रॉपर पूरा का पूरा टारगेट। आई होप कि आपको पूरा यहाँ पे समझ में आ गया होगा। DNN का ये टारगेट रहने वाला है, आपको भाई ये ग्रुप्स मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे स्टडी पॉइंट ब्लॉग के नाम से आपको मिला टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, आपको इंस्टाग्राम मिल जाएगा रेलवे एग्जाम 0.2 के नाम से, और आपको प्राइवेट ग्रुप मिल जाएगा जहाँ पे आप भाई इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर भाई इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी वीडियो जरूर से बताइएगा, आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही जरूर से आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।